वो यार इधर मेरा चाचा था, कहाँ गया? और बेवकूफ भतीजे, मैं इधर पड़ा हूँ यार। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, इस उम्र में ऐसा उल्टा काम करने की क्या जरूरत थी? इस दफा जो बिजली का बिल आया है वो 50,000 रुपया आया है, और आपको पता है मैंने जिंदगी में 50,000 कभी एक साथ नहीं देखा। ओए छोटे, जल्दी जाओ डॉक्टर को बुला के लेके आओ, इससे पहले कहीं चाचा टपक ना जाए। ओके बड़े भाई, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आए, चाचा को पकड़ के बिजली ने मारा है। वो बिजली तो हमारे मोहल्ले से चली गई थी, और अब तो उसके दो बच्चे भी हो गए हैं। अब कौन सी और नई बिजली आ गई हमारे मोहल्ले में? अरे डॉक्टर साहब, वो आंटी बिजली नहीं, ये करंट वाली बिजली है। अच्छा, मैं समझ गया। ओके, जल्दी जाओ और अपने चाचा को यहाँ मेरे क्लिनिक पे ले आओ, उससे पहले कहीं चाचा तुम्हारा इस दुनिया से चला ही ना जाए। जी मैं अभी लेके आया। मुझे तो डॉक्टर अंधा लगता है। अब डॉक्टर आ गया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आपका मरीज ठीक करके देता हूँ। चाचा को करंट कुछ ज्यादा नहीं लग गया, मुंह की सारी हड्डियां बाहर आ गई। ओ डॉक्टर, मेरे चाचे का मुंह इधर है, तुम अंधे हो क्या? इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं अंधा हूँ? और एक्टिंग करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम्हें पता है जिस बंदे को करंट लगता है उसको पाँव की तरफ से चेक करते हैं। डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? डॉक्टर साहब मैं इधर हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम इधर ही खड़े हो। वो मैं मरीज के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ ताकि उसको पता ना चले डॉक्टर क्या करने वाला है। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगा था। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे चाचा को करंट लगा कैसे? डॉक्टर साहब ऐसे लगा है। अब मैं समझ गया हूँ सारी बात, अब तूने टेंशन नहीं लेनी, अभी ठीक करके देता हूँ उसे। जालमो क्या कर रहे हो? ओ तुम सो जाओ, तुम्हारा कौन सा करंट चेक कर रहा हूँ, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। ओ तेरी, लगता मौलवी लुढ़क गया। भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे चाचा को नहीं बचा सका, अल्लाह की मर्जी है। अब भतीजे मैं जिंदा हूँ। ओ चाचा मर जाओ, तुम्हें डॉक्टर ज्यादा पता है। चाचा जाता तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ गया है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बड़े भाई के लिए। कल तुम मेरे पास आ जाना, वो वसीयत मुझसे ले जाना और अपनी विरासत में हिस्सा बांट लेना। डॉक्टर साहब ये वसीयत है, ये मेरे बच्चों को दे देना, उनको कहना कि अपना विरासत में हिस्सा बांट लें। भाई तुम्हारे चाचा को तो नहीं बचा सका, उसने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी है, इसमें कुछ तुम्हारे दोनों भाइयों के लिए विरासत छोड़ कर गया चाचा, अब तुम दोनों मिल बांट लेना इस विरासत को। डॉक्टर साहब ये पढ़ के बताओ कि चाचा ने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा है? तुम भाइयों के लिए जो विरासत चाचा ने छोड़ी है, बड़े भाई के लिए एक न्यू बाइक मोटरसाइकिल, और छोटे भाई के लिए जो विरासत में छोड़ा है वो एक पानी वाला जग है, जिससे जो भी इंसान पानी पिएगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। अब तुम अपना विरासत में आधा आधा हिस्सा बांट लो। जनाब ये तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए न्यू बाइक जो छोड़ के गए हैं। डॉक्टर साहब अगर ये न्यू बाइक है तो इसे भी चाचा के साथ ही दफन कर दो। छोटे, चाचा ने जो तुम्हारे लिए विरासत में छोड़ा है वो ये पानी वाला जग है, अब तुम जानो और ये तुम्हारी विरासत जाने। चाचा ने ये क्या मेरे लिए चीज छोड़ दी विरासत में? मुझे तो लगता है ये कोई खजाना है। छोटे मुझे तो ये कोई खजाना वजाना नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि पुराने जमाने में शैतान इसमें पानी पीता था।